था। अच्छा ये नकली फूल का क्या सिलसिला है? सुना है कोई नकली फूल लेकर आए थे आपके घर पे आपके हस्बैंड जो है। अच्छा। ये क्या सिलसिला है जरा बताएं। अच्छा आप ढूंढ रही थी नकली फूल का? मैंने कहा शायद अच्छा मैंने भी ढूंढाने लगी थी मैंने शायद ले लिया। बताएं बताएं जरा नकली फूल का क्या वाकया है? देखिए सुने देखूंगा भी और सुनूंगा भी बताइए। प्लीज प्लीज सुने बहुत इंपॉर्टेंट मजे की वो है और मेरा ख्याल है कहानी से ज्यादा लोगों के रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो इस बात में इन्वॉल्व थे। तो 24 साल के थे हम। हाँ हम लोग नए नए अभी अभी ग्रेजुएट हो रहे थे NCSN। मुझे इश्क हो गया, इश्क से ज़्यादा कह लें उनसियत हो गई और मुझे उस बंदे से हुई जो मेरा करीबी बहुत करीबी दोस्त था और आज 15 साल से मेरा खावन भी है। तो बेचारा बेचारा लेकिन हाँ क्योंकि मैं तो 26 की थी वो बेचारा बहुत ही छोटी उम्र में उसने मेरे साथ अपने आप को बांध लिया तो बिल्कुल बेबी था वो। तो उसने गरीब था, नीकू पास से आ रहा था, कोई बैकग्राउंड ऐसा सच नहीं था कि इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं थी। तो ये साहब जो है ये NCA के हॉस्टल से एक संडे को उठकर मेरे घर डिफेंस में आ रहे थे और ग्रामर की बच्ची है, पढ़ी लिखी है, अंग्रेज़ी भी बोलती है, वो अंग्रेज़ी भी नहीं बोलता था उस टाइम पर। तो मैंने जब अपनी वालदा को बताया कि भाई मैंने सोच लिया है कि ये मेरी ज़िंदगी का साथी है और आज हमारी मंगनी है, तो अम्मी के तो हाथ पैर ठंडे हो गए। उन्होंने कहा क्या बात कर रही हो तुम, दिमाग ठीक है तुम्हारा कि ठीक है दिल लगा लो, शादी करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने अब रुखसत होना इसी के साथ, मैं भाग जाऊँगी तो ऐसा नहीं कर वरना भाई अम्मी ने किया तो अम्मी हाँ अम्मी होगी ना। दरवाजे बंद कर दो। चली थोड़ी कहाँ दरवाजे बंद होते हैं, सारी चाबियां मेरे पास। ओए समझी साजिश बहुत शदीद, ग्रिलें भी नहीं थी घर में। एनीवे ठीक है तो ये साहब ज्यादा आए, इन्होंने पकड़ी फिरोजपुर रोड जो के अगर लाहौर में लोग जानते हैं तो फिरोजपुर रोड पे संडे बाजार लगता है। ठीक है अब ये जा रहा था तो इसने कहीं सुन लिया होगा कि भाई मर्द जाते हैं घरों में ये लड़कियों के तो फूल लेके जाते हैं ये वो। तो ये साहब जो थे इन्होंने रुके, पैसे इनके पास बहुत कम थे जेब में और मोटर बाइक पे आ रहे थे, किसी से मांग के मोटर बाइक किसी की आ रहे थे। तो 5 रुपए का फूल नज़र आया, ठीक है लाल गुलाब, और वो आया और उसने मुझे दिया। तो मेरी वालदा तो गश खा के बेहोश होने लगी थी कि ये क्या हो रहा है। तो मैं तो मैंने कहा तुम क्यों 5 रुपए का, तुमने क्यों जाया किए 5 रुपए इसके ऊपर ना, मुझे दे देते मतलब उनके पास कम और आप लालची। जी जी बहुत शदीद बहुत शदीद। तो कहाँ जा रही है मेरी वालदा, देखो पूरा गल्ला है, देखो 5 रुपए ये। हाँ जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, गुल्लक थी पड़ी हुई मेरे पास। तो कहती मेरी वालदा ने कहा कि ये क्या लाए हो तुम, तुम्हारा दिमाग ठीक है? लिटरली यूं करके कहा कि ठीक है तुम्हारा दिमाग, तुम ये क्या फूल लेकर आए 5 रुपए का? तो कहते हैं आंटी ये गुलाब का फूल है और ये कभी नहीं मुरझाएगा। वो जो एक पंचलाइन थी उस टाइम थी। तो मेरी वालदा थोड़ी सी शॉक में हुई, फिर वो थोड़ी सी काम डाउन हुई, फिर उन्होंने जाके अंदर मेरा ख्याल है जबान के नीचे गोली रखी होगी जबान के नीचे गोली और रिहैब कॉल की होगी कि दो पेशेंट है एक के साथ एक फ्री भेज रही हूं मैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये साथ था वो सीन और वो फूल अभी भी कहीं पड़ा हुआ है हमारे पास आर्काइव। फिर अम्मा कैसे मानी? नहीं मानी, अम्मा नहीं मानी। वो तो मेरा ख्याल है जब हमारा निकाह भी हो रहा था तो उनका यही मूड था कि जलजला आ जाए किसी तरीके से और ये शादी रुक जाए। अम्मी अकेले बैठे बैठे हाँ। यार बेटा बेटा तुम लोग को फील नहीं हो रहा लेकिन आ रहा है। देखिए शादी पूरे 3 घंटे की थी, हमने बता दिया था कि इधर आ जाइएगा जिस जिसने आना है और हम रुखसत होके यहाँ से निकल जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके का था ना, ज्यादा खर्चा हुआ, ज्यादा से ज्यादा पैसा मैंने अपनी जेब में डाला। शादी क्या किया? कह रहा हूँ शादी की है, लूटने का प्लान है ये। शुरू में तो बहुत लूटा मैंने। आप मेरा निकाह नामा देखिए उसमें जो मैंने शिक्के लिखी हुई थी मतलब मौलवी साहब ने दो दो साइन कराए हैं हर शिक पे। वाह वाह वाह। बेटा आपको पता है, अच्छा मैं तो बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी तो ये साहब पूरा सेहरा, इनका मुंह किसी ने देखा ही नहीं या वो दिखा नहीं रहे थे शायद। तो वो मौली साहब बार बार कहें कि बेटा आपको पता भी है ना किसने फील किया, फिर मुझे देखते आपने फील किया? मैं जी मैंने फील किया है निकाना। तो वो बड़े परेशान रहे और मौलवी साहब भी, मौलवी साहब भी तो परेशान थे, वही परेशान थे देखते कि किसने फील किया है। 12 साइन कराए मेरे खामन से, 12 साइन उनके उसके ऊपर है। देख लो बॉस 11 दफा मौका दिया है। देख लो बॉस ये चाइना कटिंग का प्लॉट है जी। आप बिल्कुल ऐसे ही है, आंखें खोल के इसके अंदर कूदिएगा, दलदल भी मिल सकता है। वाह जी वाह। और माशाल्लाह आप कह रही 15 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह कह रही हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए उनका क्या हाल है।
मजेदार मजेदार द मजेदार शो।